नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल में लंबे समय से अपने हितों के लिए संघर्ष कर रही गैस पीड़ित वृद्ध कल्याणी महिलाओं के खाते में पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास कैलाश सारंग कल्याणी महिलाओं को पेंशन राशि वितरित की। मंत्री विश्वास सारंग ने कुछ कल्याणी महिलाओं को प्रतीक स्वरूप पेंशन राशि का चेक भी वितरित किया। बाकी कल्याणी महिलाओं को उनके खाते में बैंक से राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस मौके पर गैस राहत अस्पताल के लिए 3 एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि दिसंबर 2019 में गैस पीड़ित वृद्ध कल्याणियों की पेंशन बंद की गई थी। इसकी वजह पेंशन देने के लिए केंद्र द्वारा दिया गया बजट खत्म होना और पेंशन अवधि खत्म होना बताया गया था। जिनकी गैस कांड के समय उनके पतियों की मृत्यु हो गई थी, वो कल्याणी बहनें जिनको भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार ने 1000 रुपये महीना पेंशन देने की व्यवस्था की थी, जिसकी शुरुआत 2011 से हमने की थी, परंतु बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने वो पेंशन योजना बंद कर दी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर हमने 1000 रुपये महीना, हमारी वो कल्याणी बहनें जो गैस कांड के समय कल्याणी हुई, विधवा हुई, उनकी पेंशन की योजना की पूरा शुरुआत की है। आज हमने उनके खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया है और ये योजना हमने अप्रैल से लागू की है। तो आज सभी हमारी वो कल्याणी बहनें जिनकी संख्या लगभग 4.5-5 हज़ार है, उनके खातों में 5000 रुपये महीना, 5000 रुपये आज हमने डाल दिया है। हर महीने 1000 रुपये महीना उनको मिलेगा और ये भी एक निर्णय लिया गया है, क्योंकि उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 600 रुपये महीना मिलता ही है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो 600 रुपये तो मिलेगा ही, पर उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से 1000 रुपये महीना भी उनको मिलेगा और ये ज़िंदगी भर जब तक हमारी बहनें जिंदा हैं, जब तक उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। आज 5000 रुपये हमने पिछले 5 महीनों के उनको ट्रांसफ़र किए हैं। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हम उन बहनों की मदद करने में सक्षम हैं कि जिनको आर्थिक रूप से बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारा विभाग गैस पीड़ितों के सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सीय उत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जहां हम एक और चिकित्सीय व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनका सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो, इसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं और उसी कड़ी में आज ये हमारा बड़ा कदम है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कल्याण की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, उसका आज एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है और हमारी वो कल्याणी बहनें जिनकी कांग्रेस की सरकार के समय पेंशन बंद हो गई थी, वो हमने फिर से शुरू कर दी है। ताकि बात है कि कल तक हमने 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया है, जिसमें 4 करोड़ 10 लाख करीब फर्स्ट डोज है और करीब 95 लाख सेकंड डोज है। ये हमारी सरकार की सुशासन की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में केवल हेल्थ वर्कर ही नहीं लगे, पूरा प्रशासन लगा है और निश्चित रूप से हमारी सरकार की ये बड़ी सफलता है। शिवराज सिंह चौहान ने करवाई है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम कहेंगे उन्होंने जितना अच्छा सोचा उतना कोई नहीं सोच सकता। एक बार बंद हो गई थी, फिर से चालू हुई है क्या? हाँ, एक बार बंद हो गई थी, वो आया था कांग्रेस का मंत्री, उन्होंने कर दिए थे बंद। शिवराज सिंह चौहान भाई ने करवाया वापस चालू। नाम बता दीजिए। कमला देवी थी मेरी। तो वही अम्मा क्या बोलते, पेंशन बंद हो गई थी, फिर से चालू करिए क्या? हाँ, चालू कर दी ना, आज से ही चालू हुई है। परेशानी बहुत हो रही थी, अब खर्चा चलेगा आराम। बंद हो गई थी? हाँ, भी बंद हो गई थी, कमल नाम ने बंद कर दी थी। नाम बता। नन्नी भाई कुछ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.